नमस्कार दोस्तों, आज हम पोहे का बहुत ही स्वादिष्ट चीला बनाने वाले हैं। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए देखिए, मैंने एक बर्तन लिया है और एक कटोरी पोहा लिया है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए, हमने एक कटोरी पोहा लिया है, अब इसे इस बर्तन में डाल देते हैं। पोहे को बर्तन में डालने के बाद इसमें हम पोहे को पानी से अच्छे से धोकर साफ़ कर लेंगे, क्योंकि पोहा में डस्ट रहता है। इसे हम अच्छे से धो लेते हैं। ये देखिए, चलिए मैं इसे धोकर तैयार कर लेती हूँ। आपको यह नाश्ता कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये देखिए, मैंने पोहा को धो लिया है। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे 15 से 20 मिनट के लिए भीगने देंगे। पानी ज़्यादा नहीं डालना है, पोहे के बराबर ही पानी डालना है। जितना पोहा पानी सूख सके उतना पानी ही हमें डालना है। चलिए अब इसे 15 से 20 मिनट के लिए रख देते हैं। तब तक हम तड़का बना लेते हैं। तड़का बनाने के लिए गैस पर कढ़ाई चढ़ाएंगे। कढ़ाई को गर्म होने दें। कढ़ाई गर्म हो जाए तो उसमें 3 बड़े चम्मच तेल डालेंगे। तेल को गर्म होने दें। तेल गर्म हो जाए तो उसमें 1/2 छोटी चम्मच राई डालेंगे, 1/2 छोटी चम्मच जीरा डालेंगे। जीरा डालने के बाद इसमें हम 1 चम्मच हरी मिर्ची को बारीक बारीक चॉप कर लिया है, उसे भी डाल देंगे और इसे गैस बंद कर लेंगे। ये देखिए, पोहा अच्छे से भीग चुका है। अब हमने जो तड़का बनाया था उसे ठंडा होने देंगे। ये देखिए, हमारा तड़का ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें जो पोहा भिगा के रखे थे उसको भी डाल देंगे। चलिए मैं सभी पोहा को डाल लेती हूँ। पोहा को डालने के बाद इसमें हम 2 बड़े चम्मच बेसन डालेंगे। बेसन डालने के बाद इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसका एक सॉफ्ट डो बना के तैयार कर लें। देखिए, इसमें हमने थोड़ा सा धनिया पत्ती भी डाला है। अब इसे अच्छे से मिक्स करके इसका एक सॉफ्ट डो बना लें। ये देखिए, मैंने इसका एक सॉफ्ट डो बना के तैयार कर लिया है। अब इसे 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ये देखिए, मैंने इसे 2 भाग में डिवाइड कर दिया। अब इसके बाद इसके ऊपर आटा लगाएंगे। आटा लगाने के बाद इसे चकली के ऊपर रखेंगे। चकली के ऊपर रखने के बाद इसे बेलन की सहायता से हल्का हल्का बेल लें, जिससे यह चिपके नहीं। इसे आटा लगा लगा कर बेलिएगा, नहीं तो यह चिपकने लगेगी। देखिए, जैसे मैं कर रही हूँ ऐसी आप भी कर लें। इसका साइड फट रहा है, इसलिए हम इसे हल्के हाथों से दबाएँ, ज़्यादा वजन ना दें। ये देखिए, अब इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। हमने इसे बना के तैयार कर लिया। ऐसे ही आप सभी को बना लें। इसे बनाने के लिए मैंने गैस पर एक तवा चढ़ाया है। तवा को गर्म होने दें। या पैन गर्म हो जाए तो इसमें हम तेल ग्रीस करेंगे। तेल ग्रीस करने के बाद हमने जो चीला बना के रखा था उसे भी डाल देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैं डाल रही हूँ वैसे ही आप भी डाल दें और इसे हल्का लाल होने तक सिकने दें। इसे अच्छे से घुमा घुमा कर सेक लें सभी तरफ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे सभी तरफ से अच्छे से सेक कर तैयार कर लिया है। इसे हम आप चटनी के साथ खा सकते हैं। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है।